वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर बाय शाह लतीफ मॉडल हायर स्कूल डहरकी। टुडे वी डिस्कस हेयर अबाउट द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टिश्यू एंड ऑर्गन, लर्न अबाउट डिफरेंट ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शन, लर्न अबाउट ऑर्गन सिस्टम्स। ऑर्गन्स, डिफरेंट टिश्यूज वर्किंग टूगेदर टू डू अ पर्टिकुलर जॉब मेक अप एन ऑर्गन। ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ईच ऑर्गन हैज डिफरेंट टास्क टू डू, बट ऑर्गन्स वर्क विद कोऑर्डिनेशन एंड मेक डिफरेंट सिस्टम्स। डिफरेंट ऑर्गन्स हैव डिफरेंट शेप एंड साइज। ऑर्गन्स यानी उज्वा, मुख्तलिफ टिश्यूज मिली करे को न को एक ऑर्गन ठाहिन था। आयोनी ऑर्गन जो को न को कम हों है जेको वो कहें भी इंसान या जानवर जी बॉडी के अंदर परफॉर्म कंदो है। एनिमल्स जा ऑर्गन्स प्लांट्स या ऑर्गन का डिफरेंट थियन था, जी तो उन्हें वट टिश्यू भी एक बे का मुख्तलिफ हों। हर ऑर्गन पैंजो फंक्शन परफॉर्म करे तो, पर हर ऑर्गन जडे बे सिस्टम ठाए तो वो एकड़ो ऑर्गन बे ऑर्गन जी कोऑर्डिनेशन सा वर्क करे तो। हर ऑर्गन जी साइज ए शेप एक बे का मुख्तलिफ थिए थी। हेयर आर सम ऑर्गन्स ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन्स। दिस इज हर्ट, दिस इज अ पिक्चर ऑफ हर्ट। हर्ट इज नोन एज द पंपिंग ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी। इट इज मेड अप ऑफ मसल्स। इट्स फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट द ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी। हर्ट एकड़ो अहड़ो ऑर्गन थींदो आहे जेको मसल्स जो ठथल हूंदो आहे। उन जी कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन जैके पान हर्ट बीट चई सकूं था, उन जे करे वो ब्लड ट्रांसपोर्ट करे तो पूरी बॉडी डा। हियर इज अ स्टमक। इट इज अ पार्ट ऑफ अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ मसल्स। इट्स फंक्शन इज टू डाइजेस्ट द फूड। स्टमक एकड़ो अड़ो ऑर्गन आहे जेको डाइजेस्टिव सिस्टम जो एकड़ो पार्ट आहे। उन जो फंक्शन फूड के डाइजेस्ट करण हुंदो आहे। लिवर, इट इज मेड अप ऑफ टिश्यूज। ही टिश्यूज जो ठतल हुंदो आहे। इट इज ऑर्गन एज वेल एज ग्लैंड। ही ऑर्गन भी आहे आए ग्लैंड भी आहे। ऑर्गन आए ग्लैंड में फर्क यो थींदो आहे। ऑर्गन को भी अहड़ो उज़्वो हुंदो आहे जेको कहीं फंक्शन के परफॉर्म करे। ग्लैंड कहीं भी अड़े ऑर्गन के चयो वेंदो आहे जेको कोई न कोई लिक्विड कहीं न कहीं केमिकल के सीक्रेट करे यानी प्रोड्यूस करे, उनके ग्लैंड भी चई सकजे तो। लिवर ड्यूरिंग डाइजेशन पांजी मदद कंदो आहे। उनखा अलावा यो केमिकल्स भी सीक्रेट कंदो आहे जैके बाइल चई सकजे तो। ब्रेन, इट इज अ कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ अवर बॉडी। इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड इन अवर बॉडी। पांजी बॉडी के अंदर जेका भी फंक्शंस थियन था उहे सभी ब्रेन के कंट्रोल में हुंदा आहिन। किडनीज, दे आर इन पेयर। इट्स स्ट्रक्चर इज जस्ट लाइक द बीन्स। ही पेयर में यानि ब मौजूद हूंदियूं आहिनि इन द लोअर एबडोमन। इन्हनि जो फंक्शन हूंदो आहे टू फिल्टर द ब्लड। ही पंहिंजे ब्लड खे क्लीन करण में फिल्टर करण में मदद कनि थियूं। नाउ द लंग्स, लंग्स आर ऑल्सो इन पेयर। लंग्स पे पेयर जी फॉर्म में हूंदा आहिनि एंड द फंक्शन ऑफ लंग्स इज टू डू द रेस्पिरेशन। लंग्स पंहिंजी रेस्पिरेशन यानी ब्रीथिंग साह वग़ैरह खणण में मदद कनि था। ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स, हेयर आर फ्यू ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट इन प्लांट्स। द ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स आर लीव्स, रूट्स, स्टेम एंड फ्लावर। द फंक्शन ऑफ लीव इज टू
prepare the food for plant. They have chlorophyll. With the help of photosynthesis, leaves prepare food for plant in the presence of sunlight. लीव्स के फूड फैक्ट्रीज भी चाहे बने तो छाकाण त ही सनलाइट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से प्लांट्स के लिए ग्लूकोस यानि फूड प्रिपेयर कन था. रूट्स रूट्स आर रेस्पॉन्सिबल टू एब्जॉर्ब मिनरल साल्ट एंड वाटर फ्रॉम द सॉयल. रूट्स जो फंक्शन सॉयल में मिट्टी में पानी डिफरेंट मिनरल्स ए साल्ट्स के एब्जॉर्ब करण जो हुंदो आहे. इतना ही जाइलम टिश्यूज वॉटर के ट्रांसपोर्ट कन था टू अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. हेयर इज अ स्टेम. दीज आर स्टेम्स टू स्टेम्स. द फंक्शन ऑफ स्टेम इज टू गिव सपोर्ट टू द प्लांट. द लीव्स फ्लावर्स फ्रूट्स आर ऑल्सो अटैच्ड विद देम. नाउ द फ्लावर. Flower is a reproductive part of the plant and leaves, stem and roots are vegetative parts of the plant. Vegetative parts aidan parts ke chayo bane to jeke direct sexual reproduction na tha kare sagan. Flower ekro reproductive part ahe cho ta hin mein male and female reproductive organs thyan tha jeke akte bane kare फ्रूट में चेंज थिए तो फ्रूट के अंदर सीड हों जेको प्लांट के रीग्रो करण में रिप्रोड्यूस करण में मदद करे तो. नाउ द ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ एनिमल्स और ह्यूमंस. डिफरेंट ऑर्गन्स वर्क टूगेदर एंड मेक अ सिस्टम विच इज आल्सो कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम्स. जी तो पान पहले पढ़ियोसी त मुख्तलिफ़ किस्मन जा टिश्यूस मिली करे को न को ऑर्गन ठाहिन था. अहिड़ी तरह डिफरेंट ऑर्गन्स मिली करे को न को एक सिस्टम ठाहिन था ऐं हिकड़े फंक्शन के परफॉर्म कन था. हेयर आर टू एग्जांपल्स. रेस्पिरेटरी सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम अहिड़े सिस्टम के चयो वञे तो इन विच वी एक्सचेंज द गैसेस एंड स्टडी दैट हाउ वी use oxygen in our body and how the carbon dioxide is produced in our body. Respiratory system mein paan respiration yani saah kharan je bare mein padhu tha to kiye oye gases yani oxygen paanje andar bane thi kiye utte wo istemal thiye thi ai kiye hua carbon dioxide mein change thi bahar achi bane thi. Haane respiratory system mein different organs achi banan tha je mouth windpipe it is also called trachea and here are two lungs. These branch like structure is known as bronchi and bronchioles. Respiratory system mein different organs achi vanan tha jay ma ek organ mouth hai bio trachea hai trio lungs hain. Ye try different organs mili kare ekro system taiyar kan tha which is said to be the respiratory system. Ehde hi saage namune एक बियो एग्जांपल वर्तो वयो आहे डाइजेस्टिव सिस्टम. दिस इज द पिक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम में भी केतरा ही ऑर्गन अची वन था जैमें फूड पाइप जैके एसोफेगस चई सकजे तो. आफ्टर द एसोफेगस फूड इंटर्स इनटू द स्टमक. स्टमक इज एन अदर ऑर्गन. इट इज ऑल्सो मेडअप ऑफ मसल्स. इट्स फंक्शन इज टू डाइजेस्ट द फूड. आफ्टर द स्टमक फूड इंटर्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. Small intestine has three parts. The first part is known as duodenum, second part is known as jejunum, and the third part which connects small intestine with the large intestine is said to be the ileum. Here also the process of digestion completes and the absorption of food occurs. This is the large intestine. It is another organ which also perform the action of digestion, absorption and as here's the organ system of plants. In plants the organ systems are of two types, shoot system and root system. Shoot system is the system which is present upward the soil.
शूट सिस्टम अहिड़ो सिस्टम थींदो आहे जेको सोयल खां मथे पार्ट्स में थिए सच एज लीव्स फ्लॉवर एंड स्टेम एंड द रूट सिस्टम द सिस्टम एंड द फंक्शंस व्हिच अकर्स इन बिलो द सोयल अंडरग्राउंड द सोयल दे आर सेट टू बी और मेक अप द रूट सिस्टम जीअं त शूट सिस्टम में मुख़्तलिफ़ पार्ट्स अची वञनि था जंहिंमें फ्लॉवर हिकिड़ो रीप्रोडक्टिव पार्ट आहे जेको प्लांट्स जी रीप्रोडक्शन करवाइण में मदद करे थो उन जे कलरफुल लीव्स खे पीटल्स चयो वेंदो आहे ऐं जेका मेल एंड फीमेल रीप्रोडक्टिव पार्ट हूंदा आहिनि उन खे स्टैमन एंड कार्पल चयो वेंदो आहे स्टैमन इज़ द मेल रीप्रोडक्टिव पार्ट एंड कार्पल इज़ अ फीमेल रीप्रोडक्टिव पार्ट उन खां बाद आहे एपिकल बड एपिकल बड जी माना हूंदी आहे अहिड़ो फ्लॉवर जेको जल्द ई निकिरण वारो आहे नोड एंड इंटरनोड नोड इज़ अ प्लेस फ्रॉम वेयर अ न्यू ब्रांच और लीफ अपीयर्स नोड अहिड़ो पार्ट हूंदो आहे स्टेम जो जंहिं जॻहि तां का बि नई स्टेम जी ब्रांच निकिरे लीफ निकिरे या फ्लॉवर निकिरे उनखे नोड चयो वेंदो आहे एंड द स्पेस बिटवीन टू नोड्स इज़ नोन एज इंटरनोड अहिड़े हिसाब सां 2 to 3 centimeter जे फ़ासिले ते प्लांट्स वटि डिफरेंट नोड्स मौजूदु हूंदियूं आहिनि ॿिनि नोड्स जे विच में जेका स्पेस हूंदी आहे उनखे इंटरनोड चयो वेंदो आहे एक्ज़िलरी बड जी माना हूंदी आहे अहिड़ो बड जेको एट द एक्सिस ऑफ प्लांट ग्रो थियल हुजे एक्सिस जी माना हूंदी आहे विच जहिड़े हिसाब सां हीउ बड सेंटर में निकितल आहे त इन खे पाण एक्ज़िलरी बड चई सघूं था एंड अदर एपिकल बड उहो जेको एपिक यानी टिप ते मौजूदु हुजे उनखे एपिकल बड चई सघिजे थो वेजिटेटिव शूट यानी स्टेम लीव्स ब्लेड एंड पेटियोल ब्लेड लीफ जे सरफेस खे चयो वेंदो आहे पेटियोल लीफ जी उन टिप खे चयो वेंदो आहे जंहिंसां को बि लीफ पंहिंजी स्टेम सां अटैच थियल हूंदो आहे सो दिस इज़ द शूट सिस्टम वेयर वी स्टडी अबाउट द फ्लॉवर स्टेम एंड लीव्स हेयर इज़ अ रूट सिस्टम रूट सिस्टम में पाण रूट ऐं उन जे फंक्शन जे बारे में पढ़ंदा आहियूं जीअं टैप रूट एंड लेटरल रूट्स टैप रूट एंड लेटरल रूट्स जे विच में डिफरेंस इहो आहे टैप रूट इज़ अ थिक मेन रूट टैप रूट अहिड़ी रूट खे चयो वेंदो आहे जेका थिक हुजे ऐं प्राइमरी हुजे पहिरीं निकितल हुजे लेटरल रूट्स अहिड़ी रूट्स खे चयो वेंदो आहे विच ग्रो फ्रॉम द टैप रूट जेके टैप रूट मां निकितल हुजनि थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो यू मे विज़िट अवर वेबसाइट द लिंक इज़ हेयर